हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हर्ष के द्वारा। हाँ तो गाइस, आप सभी को पता है आज से दो दिन पहले देवारा मूवी का मैसिव ऑफिशियल ट्रेलर, मैसिव एक्शन सीक्वेंस देखने को मिला। बहुत लोगों को अच्छा लगा, लेकिन कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा, जिसके लिए काफी लोग नेगेटिविटी करे VFX को लेके। देवारा NTR सर की हाइट इतनी कम क्यों है, सारा का सारा फर्जी वाला है, ये है फेक, वो पता नहीं कैसी कैसी बातें चल रही है। वो लिटरली गाइस, ये सब देखने के बाद मैं खुद सोच रहा हूँ, और ट्रोल भी पता है कौन करा। अगर मैं उस एक्टर का नाम लूंगा ना, तो आप ये बोलने वाले हैं ये स्टार है या पोर्न स्टार है। अब गाइस, क्या सीन है, क्या कुछ हुआ है, मैं सब बता रहा हूँ। उसी के साथ साथ सेंसर के बारे में, एक्शन सीक्वेंस के बारे में बता रहा हूँ ना। लेकिन आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम ऐसी बैक टू बैक अपडेट लाते किसके लिए, आप ही के लिए। तो चलिए जान लेते गाइस। पहले मैं आप लोगों को बताता चलो, जब खुद के कांच के घर होना तो दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं फेंका करते। आई थिंक सो मैंने गलत या उल्टा बोल दिया, तो एनीवन भाई साहब कंप्लीट करके कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। तो पहले मैं आप लोगों को बताता चलूं कुछ चूतियों की कहानी, कुछ जो नेगेटिविटी करे, जो सबसे बड़े टॉक्सिक फैन क्लब में आते हैं। तो गाइस, आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है जहां पर JR NTR सर शार्क के साथ जाते नजर आ रहे हैं, और वहां पर हाईलाइट कर रखा है, आपको देखने को मिल रहा होगा, और साइड में ये हैंड वाला मूवमेंट देखने को मिल रहा है। अब ये इसको राउंड क्यों किया गया तो वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। भाई, इसको राउंड इसलिए किया गया है कि वहां पर VFX दिख रहा है, CGI VFX दिख रहा है, तो इस चीज के लिए हाईलाइट किया गया है। अब यार, मैं खुद सोच रहा हूं, लिटरली मैं खुद सोच रहा हूं कि यार, इंडियन सिनेमा में कितनी भी कोशिश कर लो, कितना भी अच्छा ट्राई कर लो, कितना भी अच्छे डायरेक्शन दे दो, कितना भी बेस्ट ऑफ बेस्ट दे दो, लेकिन ये रहेंगे भाई, ये गू की टट्टी रहेंगे, क्योंकि इन्हें ये खुद नहीं पता है। और भाई, ट्रोल भी पता कौन कर रहे हैं। भाई मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं तो आप लोग बोलेंगे कि यार हर्ष भाई हमेशा, तो भाई हमेशा ही होता है भाई सब। VFX स्टार मतलब आप समझ रहे हैं, VFX बॉडी वाले एक्टर के फैन क्लब वाले भाई ट्रोल कर रहे हैं JR NTR सर को, उनकी अपकमिंग मूवी को। भाई मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा, प्रभास अन्ना सर तक तो ठीक थे, अब JR NTR सर को भी लपेट रहे। भाई चाहते क्या हो तुम, अपनी एक्टर की तरह दूसरे एक्टर को भी समझते हो क्या? भाई मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा यार, डूब मरना चाहिए ऐसे टुच्चे एक्टरों को जिन्हें कड़ी और टट्टी में बिल्कुल भी फर्क नहीं आता। तो गाइस लिटरली, अब आप सोचेंगे कि हर्ष भाई क्यों अग्रेसिव होते रहते, क्यों ऐसी ऐसी बातें करते रहते, तो भाई मैं यही बोलना चाहूंगा, जब तक ये बॉलीवुड, ये हॉलीवुड वाले रहेंगे ना, तब तक इंडियन सिनेमा ग्रोथ नहीं कर पाएगा। ऑलरेडी भाई सब साउथ इंडस्ट्री ग्रोथ कर रहा है, लेकिन इनकी वजह से भाई साहब ना ये कभी अपने एक्टर को पिटता हुआ देख सकते हैं, ना उनसे किसी को आगे जाने हुए देख सकते हैं। मतलब पता नहीं क्या ही बोल रहा हूँ, लेकिन मैं यही बोलूंगा कि भाई, वाई सो मच ट्रोल फॉर साउथ इंडस्ट्री, इनफ यार, बंद कर दो। तो गाइज, अब बात कर लेते हैं, ये तो बात होगी ये चूतियों की, लेकिन अब बात कर लेते हैं इंटेलिजेंसी, यानी कि बात कर लेते हैं ना यार, किस बात की दे रहे। तो गाइज, पहले बात कर लेते हैं देवारा मूवी के रन टाइम के बारे में। तो इसका जो रन टाइम होने वाला है 2 घंटे 58 मिनट का होने वाला है, यानी कि 2 ओवर 58 मिनट का होने वाला है, जहां पर मतलब कि सीधा 3 घंटे बोल सकते हैं, जहां पर अपने को मल्टीपल एक्शन सीक्वेंस, मल्टीपल ऐसे सीन जो कि कहीं ना कहीं अपने माइंड को एकदम ब्लास्ट करने वाले हैं, उसी के साथ साथ ढेर सारा सस्पेंस दिखाई देने वाला है और काफी सारी चीजें दिखाई देने वाली है। भाई अगर अपन बात करें एक्शन सीक्वेंस के बारे में, तो भाई देवारा मूवी की सबसे बड़ी जो हाईलाइट है वो इसका एक्शन ही है। सबसे बड़ा जो हाईलाइट है भाई साहब, इसका एक्शन सीक्वेंस ही सबसे बड़ा हाईलाइट होने वाला है देवारा मूवी के अंदर। मैं अगेन टुच्चे हेटर्स लोगों को बताता चलूं, एक्शन सीक्वेंस ही देवारा मूवी का सबसे सॉलिड हाईलाइट होने वाला है। तो पता नहीं यार तुम लोगों को क्या होने वाला है। और भाई अगर अपन बात करें लास्ट क्लाइमेक्स के बारे में, और देवारा मूवी के क्लाइमेक्स में इतना सॉलिड सस्पेंस छोड़े हैं डायरेक्टर कोर्तला सिर्फ, जब आप देखेंगे थिएटर में बैठ के, तो आपका माइंड ट्विस्ट करने वाला है, ब्लास्ट करने वाला है, और आपको सोचने पर मजबूर करने वाला है कि डायरेक्टर कोर्तला शिव ने इंडियन सिनेमा को एक नया विजन दिया है, उसी के साथ साथ एक नया एक्सपीरियंस दिया। तो ये एक्सपीरियंस किस टाइप का होने वाला है, तो भाई लास्ट के क्लाइमेक्स में अपने को देवारा, मतलब
JRNTR सर का इतना फैंटास्टिक लुक दिखाई देने वाला है, जिसे देखने के बाद ऑलमोस्ट सारे के सारे फैंस डरने वाले, इवन हेटर्स तो मतलब कि उनका क्या होने वाला है वो तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन ये वाला देखो आपको मैं शेयर कर ही देता हूं भाई। ये जो सीन आप लोगों ने देवारा मूवी के ऑफिशियल ट्रेलर में देखा होगा, जहां पर बोट पर आग लगी हुई है, वहां पर एक शाल ओढ़ के आदमी खड़ा हुआ है, हाथों में दोनों हथियार देखने को मिल रहे हैं भाई, सीधा सीधा JRNTR सर होने वाले। लेकिन ये जो उनका लुक होगा ना भाई, सब पूरे मूवी में सबसे हाईलाइटेड सीन बताया जाने वाला है, जिसे देखने के बाद आप काफी ज्यादा शॉक्ड होने वाले हो। इवन हेटर ये सोचकर रोने वाले हैं कि यार हम क्यों देवारा मूवी को ट्रोल कर रहे थे, इसके VFX में कमी निकाल रहे थे। और मैं आप लोगों को बताऊं, इसी सीन के बाद देखना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि डायरेक्टर कोर्तला शिव पार्ट 2 की स्टार्टिंग कैसे करने वाली, और इसी सीन में कौन होने वाला है JRNTR सर, यानी कि फादर होने वाले या फिर उनका लड़का होने वाला है, यानी कि बाप होने वाले हैं या फिर बेटा होने वाला है। बाकी यार मैं आप लोगों को बताऊं ना, देवारा मूवी इंडियन सिनेमा का एक बड़ा रिकॉर्ड बनाने वाली, एक नया एक्सपीरियंस ऐड करने वाली है। बाकी चूतियों की बातों में मत आओ, चूतियों को तो सिर्फ मैं यही बोलना चाहूंगा, वैसे यार मास लुक मास एवरीथिंग, बस अर्थक्वेक का वेट कर जो कि 27th ऑफ सितंबर को आने वाला है। वैसे गाइस आप लोग हमें बताओ क्या लगता है नेगेटिविटी हेटर्स करने वालों के बारे में, देवारा मूवी के बारे में क्या लगता है, क्या लगता है इसके मैसिव एक्शन सीक्वेंस के बारे में, इसके रन टाइम के बारे में, अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।